आ जाओ इधर से आओ इस तरफ से आओ। वन गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह के 9 बजे का ये टाइम है और हम सब लोग आज घूमने जा रहे हैं। तो हमारी अचानक से प्लानिंग हुई, वैसे हमारी प्लानिंग गांव जाने की थी लेकिन किसी रीज़न से हम लोग गांव नहीं जा सके। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए अभी गांव नहीं जा सके तो कोई बात नहीं, कहीं और चलते हैं। तो हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत जगह जा रहे हैं, तो चलिए सफ़र पे साथ चलते हैं। आगे आपको बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फ़िलहाल हम पहाड़ों की तरफ ही जा रहे हैं और पहाड़ों का रास्ता तो आपको पता ही है कितना खूबसूरत होता है। इतनी अच्छी धूप खिली हुई थी, वैसे भी जब पूरी फैमिली साथ में होती है ना तो सफ़र का जो मज़ा है ना वो दुगना हो जाता है। एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी आज हम सब लोग जा रहे हैं घूमने के लिए और हम लोग जा रहे हैं सुरकंडा देवी और वो धनौल्टी की तरफ पड़ता है। फिर वहाँ से हम लोग धनौल्टी जाएंगे और आगे कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, प्लानिंग तो हमने बहुत सारी की हुई है। तो फिलहाल ना हम लोग रुके हुए मार्केट में, मार्केट का नाम है आगरा खाल। तो हम लोग थोड़ा चाय वाय के लिए रुके हुए क्योंकि बीच में ना वंशिका की बुआ को वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई थी क्योंकि पहाड़ी इलाका है और वो लोग थोड़ा सा कम ही आते जाते हैं इस वजह से। तो हम लोग थोड़ा सा रुक गए हैं, वो चाय वगैरह हो चुकी है रेडी, बस चाय वाय पियेंगे फिर जो है यहाँ से निकलते हैं। बाकी पहाड़ी एरिया है तो ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और हम तो सोच रहे थे कि जाएंगे स्नोफॉल हो जाए तो मज़ा ही आ जाए, बट अभी स्नोफॉल के तो कोई लक्षण लग नहीं रहे क्योंकि कोई ऐसे बादल वादल नहीं हो रहे। बट चलिए देखते हैं वहाँ जाके मौसम चेंज हो जाए क्या पता, क्योंकि मौसम होने में ना ज़रा सा भी देर नहीं होती है। तो चलिए मार्केट में हम रुके हैं, इसको आगरा खाल की मार्केट बोलते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग चाय नाश्ते के लिए रुके हुए थे और दोनों तरफ जो है ना हल्का सा मार्केट था जहाँ पर पहाड़ी दालें मिल रही थी, पहाड़ी अदरक मिल रहा था। इस वक्त ना हम लोगों ने कुछ नहीं खरीदा था क्योंकि प्लानिंग ये थी कि जब वापसी कर रहे होंगे ना उसी वक्त जो है ये सारा सामान खरीदेंगे। मैंने आपको बताया कि हम लोग जा रहे हैं सुरकंडा देवी के मंदिर, तो जो ना धनौल्टी और मसूरी के रास्ते में ही पड़ता है और मंदिर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, बहुत ज़्यादा ठंड होगी वहाँ पर। और बस अभी ये बीच में थोड़ा सा हम लोग रुके थे क्योंकि सुबह से बहुत हल्का फुल्का सा ही नाश्ता किया था, तो यहाँ पर हमने थोड़े से पकौड़े और चाय ऑर्डर करवाई। शुरू हो गया पंजाबी तड़का, मंकू भी खा रहे थे। चाय मत गिराना, चाय पी ले। और बस चाय पकौड़े खाने के बाद हम लोग निकल चुके थे। अच्छा यहाँ पर हुआ ये कि पकौड़े हम लोगों ने ऑर्डर कराए, हमें लगा कि ये थोड़ा सा ना करारे करके देंगे बट इन्होंने वैसे ही माइक्रोवेव में गर्म करके दे दिए वो। तो होता है ना कोई कोई जगह ऐसी ही होती है, कहीं पर लोग थोड़ा सा आलस दिखा जाते हैं। फिर हमने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बस हमने फटाफट से चाय पी और हम लोग यहाँ से निकल गए। और अब फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर। तो 2-2.5 घंटे का ट्रैवल करने के बाद अभी हम लोग ये मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रुके क्योंकि प्रसाद लेना था मंदिर के लिए, तो इसके बाद फिर आगे प्रसाद फिर मिलता नहीं तो हमने सोचा कि नीचे से ही जो है प्रसाद ले चलते हैं। तो माता के मंदिर में जो भी प्रसाद चढ़ता है ना हम लोगों ने यहाँ से खरीद लिया था और इस टाइम तक भी काफ़ी ज़्यादा धूप खिली हुई थी। चिप्स मेरा था, खा ही गया। तुम ठीक हो? कोई बात नहीं भाई है ना वो, इसलिए सामने पहाड़ियों का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। और यही नज़ारा और भी खूबसूरत बन जाता है जब यहाँ पर खूब सारी बर्फ़ गिर जाती है। सर्दियाँ इस बार थोड़ी सी कम ही है, इसी वजह से स्नोफॉल हुआ नहीं है, वरना इस टाइम तक अच्छा खासा स्नोफॉल सामने की पहाड़ियों पर हो जाता है। फिलहाल हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी ट्रॉली का और ये देखिए यहाँ पर अभी अभी स्टार्ट हुई है ये ट्रॉलियाँ। पहले तो यहाँ पर जो है ना पैदल ही जो है जाना पड़ता था, तो बस हम लोगों ने थोड़ी देर वेट किया, करीब 5 से 10 मिनट वेट करने के बाद हम लोगों का जो है नंबर आ गया। हम लोगों टिकट की बात करें तो पर पर्सन 200 एंड समथिंग की कुछ टिकट थी जिसमें कि हमारा आना जाना था। तो यहाँ पर देखिए 4 रोपवे जो है ना एक साथ जाती है और एक साथ उधर से आती है, और भाई जैसे ही इसमें बैठे ना तो मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी, मुझे ना इतना डर लगता है ना। हम लोग बैठ चुके हैं और एक जो रोपवे होता है उसमें 6 ही बैठ सकते हैं, तो मुझे तो इतना डर लग रहा था और जितना मैं डर रही थी उससे कहीं ज़्यादा जो बच्चे हैं ना वो इन्जॉय कर रहे थे। इस रोपवे में सिर्फ 6 लोग आते हैं, तो वेदांश और वेदांश के पापा
दूसरे वाले में गए और ये बहुत ऊंचा है, मतलब चंडी देवी मनसा देवी से भी ऊंचा है ये वाला पहाड़ जो है मंदिर। लॉक हो रहा है, लॉक। यहाँ से जो है हमारी राइड हो चुकी है शुरू और पता क्या, इतना मज़ा आ रहा था ना, वैसे डर तो लग रहा था लेकिन मज़ा भी आ रहा था क्योंकि नज़ारे बहुत सुंदर थे, चारों तरफ सिर्फ पहाड़ और हरियाली दिख रही थी। नीचे देखने में थोड़ा सा डर तो लग रहा था क्योंकि नीचे पूरी खाई दिख रही थी लेकिन मैंने तो नीचे ज़्यादा देखा ही नहीं। ऊपर चढ़ते चढ़ते ना एकदम से बादल भी जो है आने लगे थे, एकदम काला घना बादल आ गया था मंदिर पहुँचते पहुँचते, क्योंकि मंदिर काफ़ी हाइट में है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते स्नोफॉल के। करीब 8 से 9 मिनट हम लोगों ने जो है इसमें राइड की होगी, उसके बाद हम लोग सीधे पहुंच चुके थे मंदिर की ओर। हम तो सोच रहे थे, विदांश डर लगा तुझे थोड़ा? मुझे तो बहुत डर लग रहा था, तुझे नहीं लगा बिल्कुल? पर देखिए हम लोग फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं, यह है सुरकंडा देवी का मंदिर और एक तरफ जितना क्लियर है दूसरी तरफ उतना ही काला घना बादल आ गया था। और यहाँ पर जब आप आएंगे ना तो आपको बादल जो है ना बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देखने को मिलेंगे, आपके मतलब मुंह के सामने से बादल उड़ उड़ के जा रहे थे, कुछ ऐसा व्यू था। और ये देखिए चारों तरफ का व्यू, नीचे काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लग चुकी थी क्योंकि ये था वापसी जाने का टाइम और 4:30 बजे तक जो है फिर ये ट्रॉली चलना जो है बंद हो जाती है, तो बस यहाँ पर लाइन लगनी शुरू हो गई थी। तो हमने भी कोई देरी नहीं की क्योंकि वही होता है कि मौसम कब ख़राब हो जाए पता नहीं चलता है, तो बस यहाँ पर हम लोगों ने फटाफट से दर्शन किए और उसके बाद हम लोग फिर वापस नीचे उतर गए। आए ना तो देखिए यहाँ पर ना पहाड़ी अचार और घर में पिसा हुआ जो नमक होता है ना वो मिल रहा था, तो जैसे हरी मिर्च और लहसुन वगैरह का नमक, ये देखिए बहुत सारा और सुखाया हुआ भी था काफ़ी ज़्यादा। ये से हो चुके हैं दर्शन और अब हम लोग नीचे भी उतर गए, फटाफट से उतर गए। और भाई मौसम ऐसा हो रहा है ना, मतलब लग रहा है कि बर्फ जो है ना गिरी जाएगी। ये देखो बादल, सारे बादल है, देखो कैसे उड़ रहे। और बस हम तो यही चाह रहे कि फटाफट से जो है बर्फ गिर जाए ताकि हमारा जो है ना सपना पूरा हो जाए देखने का। हमने तो देखी हुई है, बच्चे बेचारे इसी आस में आए हुए। वो क्या होता है, परिक्रमा? वो नहीं, मन्नत। अच्छा मन्नत यही मांगी? अच्छा ये देखो, ओह व्यू बड़ा प्यारा है, देखो बादल कैसे उड़ रहे, ये देखिए, ये देखो। दीदी ऐसे ऐसे करके जब मैं आराम करी ना तब 4:30 बजे का ये वक्त था जब हम लोग मंदिर से नीचे उतर चुके थे और इस टाइम तक सबको बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी क्योंकि सबने बस सुबह नाश्ता ही किया था। तो हम लोग एक होटल में गए और हम लोगों ने वहाँ पर जो है थोड़ा बहुत लंच ऑर्डर किया और खाना इतना अच्छा था कि जब हम वापसी आ रहे थे ना तो हमने नाश्ता भी इसी होटल में किया था। हम लोग होटल ढूंढ रहे हैं, व्यू देखिए चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा है और 2-3 होटल्स हमने देख लिया, मैं भी कोई भी पसंद नहीं आया। अब हम लोग फिर से मार्केट की तरफ जा रहे हैं, हम लोग धनौल्टी पहुंच चुके हैं और यहाँ देखिए मुझे भी इतना सारा धुआं निकल रहा है। तो शाम के 5:30 बज चुके हैं, फाइनली हमें होटल मिल गया है वो देखिए, और अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। वैसे तो अभी अंधेरा होना शुरू हो गया है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, बाकी बच्चे तो बड़ी मस्ती कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है कैपकॉर्न पहने का और मुंह से धुआं निकल रहा है, निकल रहा है। हाँ निकल रहा है मंकू, मुंह से धुआं निकल रहा है। चलिए अब हम लोग मार्केट जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे ना मार्केट है, वैसे पार्क भी है इको पार्क, लेकिन अभी तो बंद हो गया होगा क्योंकि शाम का टाइम है। तो अभी बस हम लोग मार्केट जाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे पियेंगे और उसके बाद फिर अपने होटल में आ जाएंगे। बाकी जो हमें व्यू मिला है होटल के सामने का वो बहुत प्यारा है, ये पूरा व्यू है और ये है होटल और ये हैं बच्चे जो बहुत शैतानी कर रहे। चलो चलो हाथ पकड़ो मंकू, चलो हाथ पकड़ो। पापा कहाँ गए? अच्छा आ रहे, चलो हम लोग चलते धीरे धीरे।
हाँ, हम लोग धनौल्टी पहुँचे तो मौसम ने बिल्कुल जो है करवट ले ली थी। सुबह जितनी धूप थी उससे कई ज़्यादा ठंड रात को थी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम मौसम था, बिल्कुल काला घना बादल, और शाम के 5 बजे ही ना कोहरा लगना शुरू हो जाता है। यहाँ पर लोगों ने आग भी जलाई हुई थी। हम लोग थोड़ा सा घूमते फिरते चले गए थोड़ा सा पार्क की तरफ, हालांकि रात को पार्क बंद हो चुका था। एक भुट्टे वाला था यहाँ पर, हमने बॉयल जो भुट्टे होते हैं वो खाए। ठंड में इसको खाने में ना अलग ही मज़ा आता है, और यही सारी चीज़ें अच्छी लगती है ना फैमिली के साथ। बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। तो बस अभी हम लोग गर्मा गर्म भुट्टे खा रहे थे, और इसको खाते खाते ना हमें यहीं पर अंधेरा हो गया था। तो हम लोग धनौल्टी की गलियों में घूम रहे हैं, और हम लोगों ने अभी अभी भुट्टा खाया, और अब हम लोग जा रहे हैं गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। और फिर हम लोग पहुंच गए चाय पीने के लिए, क्योंकि अब लग चुकी थी चाय की तलब। इवनिंग की चाय हम लोगों ने नहीं पी थी, और आपको पता ही है कि हमारे यहाँ सभी लोग चाय के कितने प्रेमी हैं। तो हम लोग पहुँचे यहाँ पर, मचान सी बनी हुई थी, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंडा था। ठंड में बिल्कुल ऐसा जम गए थे ना हाथ पैर। हाँ हाँ, खाओ, अब खाओ, तो बता देना, एक मिनट, खाओ। धुआं उड़ रहा है बिल्कुल मोमोज से। अच्छे हो रहे कि तेरे मुंह को देख के लग रहा है कितने अच्छे हो रहे। ठीक है, भाभी का बताएगी। अच्छे तो हो रहे, अच्छे हो रहे, ये तो होते हैं मोमोज। ना ना, मुझे पूरा नहीं खाना बेटा, मैं थोड़ा सा टेस्ट कर रहा हूँ, देखो। बाद हम लोग फिर से निकल गए घूमने के लिए, और मौसम ने ऐसी करवट ली कि अभी जो काला घना बादल था वो न जाने कहाँ चला गया, और मौसम इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया कि चांद भी सामने दिख रहा था। बिल्कुल क्लीन मौसम हो गया था। लोग यहीं शांति से इन गलियों में घूमने लगे, क्योंकि रात का टाइम था, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं है। और भाई वहाँ क्रिसमस ट्री लगा है उन्होंने, सारे उसमें से जो चांद सितारे होते ना वो तोड़ लिए। और ये हमारी लग गई है टेबल, ये देखो। फिलहाल अभी कोई नहीं है। क्या तोड़ा? हम लोगों ने किया बहुत टेस्टी सा डिनर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं खूब इंजॉय किया, खूब मस्ती की। आगे क्या हुआ इसके लिए आपको वेट करना होगा दूसरे व्लॉग का। तो फिलहाल के लिए इस वाले वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।